मार्केट में कई अलग अलग वैरायटी के बैंगन आते हैं और उन्हें आपने कई अलग अलग तरह से बनाकर भी खाया होगा, जैसे बैंगन आलू की सब्जी, भरवा बैंगन या बैंगन का भरता। पर आज मैं आपके लिए बैंगन के एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, बैंगन मसाला। ये बहुत ही अलग और बहुत ही लाजवाब है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने ये छोटे वाले बैंगन लिए हैं, ये लाइट कलर वाले बैंगन हैं और ये देखिए इनमें काफ़ी कांटे होते हैं, ये बहुत सारे कांटे नज़र आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसका ऊपर का पार्ट निकाल देंगे। आप यहाँ पर छोटे वाले डार्क कलर वाले बैंगन भी ले सकते हैं, मैंने ये लाइट कलर वाले बैंगन लिए हैं, बट इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है तो इसलिए मैं ये वाले बनाती हूँ। इसमें बैंगन का ऊपर का पार्ट रिमूव करने के बाद मैंने इन्हें पानी में डाल दिया है, जिससे ये काले ना पड़े, बैंगन बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। अभी हमें इसमें बीच में से कट लगाना है, तो हम इसमें दो कट लगाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमें अंदर का पार्ट दिखने लगेगा अच्छे से कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है, और दूसरा हमें इसमें मसाला डालना है, तो इसलिए हम इस तरह से इसमें कट लगाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि अंदर से ख़राब तो नहीं है। सभी बैंगन में कट लगाने के बाद अभी हमें इसका मसाला प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैं एक बाउल ले रही हूँ इधर और इसमें हम मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और बिल्कुल एक पिंच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, क्योंकि घर का बना गरम मसाला है तो मैं इसमें बहुत कम डाल रही हूँ, अगर मार्केट वाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे हाथ से इस तरह से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। मसाला रेडी हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, एक एक बैंगन को उठाना है और ओपन करके इसमें ये मसाला लगाना है। थोड़ा भी पानी हो बैंगन में तो उसको पहले निकाल दें और उसके बाद ये मसाला डालें। मसाले को अंदर तक अच्छे से लगाना है, उससे क्या होगा कि जब हम सब्ज़ी को खाएंगे बैंगन की तो बिल्कुल भी बैंगन फीका नहीं लगेगा, वरना ना बैंगन बहुत फीका फीका लगता है, ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है और बैंगन फीका, तो उससे ये बैंगन फीका नहीं लगेगा और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी। बैंगन में मसाला लगाते हुए ये मत समझिएगा कि हम भरवा बैंगन बनाने वाले हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाला मसाला बैंगन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सारे बैंगन में मसाला अच्छे से लग चुका है, इधर गैस पर कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है और उसमें हम ये बैंगन को डाल देंगे। सभी बैंगन को अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बैंगन को सब तरफ से हमें अच्छे से फ्राई करना है, तो उसको अच्छे से बार बार अलटते पलटते रहें, सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, जिसमें ये मसाले वाले बैंगन हमने रखे थे ना लगा के मसाला, उसी प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी मसाला लग जाएगा नो प्रॉब्लम, तो वही प्लेट में मैं इसे निकाल रही हूँ, तो और अच्छा ही है ना मसाले का, और अच्छा टेस्ट आएगा। और इधर कढ़ाई में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और बहुत थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में छोड़ा है, ये देखिए बहुत थोड़ा, बिल्कुल एक चम्मच ऑयल है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो काली मिर्च और दो लौंग, और अभी इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा अदरक जिसे मैंने छील कर मोटा मोटा काट लिया है, और ये प्याज, प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही में इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट, ये नारियल है जो मैंने काट के रखा था, मोटा मोटा ही कट किया है, बहुत बारीक पतला कट नहीं किया है, बस इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ऐसे ही, ये देखिए बस चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लें। एक से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, इसको भी मोटा मोटा कट करके रखा हुआ है, बस ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। और अभी इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप वाटर, देखिए थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, और बस अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम बैंगन में भी नमक लगा रहे हैं और साथ में ग्रेवी में भी डाल रहे हैं, तो नमक बहुत ध्यान से यूज़ करें। बस अभी इसको एक बार मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक सिम गैस पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है, यानी कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, तो अभी ये ठंडी भी हो गई थी, तो उसके बाद मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सी जार में और अभी इसे पीस कर पेस्ट बना लेंगे।
और इधर गैस पर फिर से रखेंगे कढ़ाई, और जो ऑयल हमने निकाल कर रखा था वही ऑयल हम इसमें वापस से डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, साथ में एक तेज़पत्ता, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा तड़क गया है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से काजू, और इसको एक बार चला लेंगे। और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसको भी एक बार चला देंगे। और बस अभी इसमें ऐड कर देंगे ये ग्रेवी जो हमने पीस कर रखी है। और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हमें भूनना है। तीन से चार मिनट ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है, अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जिस जार में मैंने ग्रेवी को पीसा था उसी में मैंने पानी डाल लिया है, और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे बस, और अभी डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि बैंगन में भी नमक था और ग्रेवी को जब हमने सॉफ्ट करने के लिए सारी चीज़ों को रखा था उस टाइम पर भी हमने नमक डाला था, तो इसमें बहुत थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है अभी। और अभी हम इसमें डाल देंगे अपने बैंगन जो कि हमने फ्राई करके रखे हैं, ये सारे बैंगन को इसमें डाल दें। बस इसको एक बार चला देंगे और फिर कवर करके इसे 5 से 6 मिनट तक सेम गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तीन से चार मिनट के बाद एक बार ये लिड हटाकर हम सारे बैंगन को पलट देंगे, और सच्ची में ना इस टाइम पे इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बिल्कुल वेट नहीं हो रहा इसको खाने के लिए, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सच में। तो इसे वापस से हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, बैंगन एकदम रेडी हो चुका है, इसको एक बार चला देते हैं, पूरा मिक्स कर देते हैं, अलट पलट कर देते हैं। ये सच्ची में बहुत ही मज़ेदार है, बैंगन मसाला बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो बस इसको अभी हमें सर्व करना है, तो गैस ऑफ कर देंगे और इसको जल्दी से सर्व कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आप इसे रोटी पूड़ी पराठा नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।